आप देख सकते हैं एचपी का लैपटॉप है। तो इस एचपी लैपटॉप में क्या प्रॉब्लम है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आप प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम है क्या, हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट किया, अब इसे हम यहां पे इमेज ऑफिस को या फ्रेंड्स यहाँ कुछ भी वर्ड टाइप नहीं हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ जी काम कर रहा है और एच और जे इस बार और कुछ बटन काम जे ये लाइन कुछ कुछ बटन काम कर रहा है, कुछ कुछ काम नहीं कर रहा है। ओके इंटरव्यू मारे इंटरव्यू यहाँ पे नहीं हो रहा है। अगर यहाँ 1 2 3 टाइप कर रहे हैं तो कुछ कुछ एक दो बटन काम कर रहा है, बाकी काम सिर्फ 5 6 और काम का बाकी कोई काम नहीं कर रहा, इंटरव्यू नहीं हो रहा है। तो इसके साथ हम यहाँ पे अगर कीबोर्ड यूज करते हैं, एक्स्ट्रा कीबोर्ड यूज करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ मारते हैं इंटर मारने पे यहाँ पे इंटर आ गया। ओके अगर कुछ लिखते हैं तो यहाँ पे लिखने के बाद भी इंटर मारेंगे तो देख सकते हैं नीचे आ गया, फिर भी इंटर मारते हैं यहाँ पे ये सब चीज़ आ रहा है। मेन जो जो कीबोर्ड है ये आपका काम नहीं कर रहा है, इसका क्या मतलब है, ये आपका कीबोर्ड ख़राब हो चुका हुआ है। चेंज करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए कीबोर्ड आपको सिस्टम को ऑफ करना होगा। ओके इसको निकाल लेते हैं, लैपटॉप ऑफ हो गया है। इसको कीबोर्ड को निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसका बैटरी को रिमूव करना होगा। ओके तो बैटरी को यहाँ से आप रिमूव कर लीजिए। ओके जो कीबोर्ड निकालने के लिए यहाँ पे सिंबल आप देख सकते हैं, इस जगह आप सिंबल देख सकते हैं कीबोर्ड का सिंबल है। ओके और यहाँ पर भी सिंबल देख सकते हैं कीबोर्ड का सिंबल है। सेट खोलना होगा, सिर्फ इतना ही खोलना होगा और कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ओनली वन स्क्रू लगा हुआ है, इसको खोल लेते हैं। कीबोर्ड का सिंबल देख सकते हैं, यहाँ पे कीबोर्ड का सिंबल दिख रहा है। ओके तो सिर्फ यही एक स्क्रू खोलना है, क्योंकि इसमें इस लैपटॉप में आप लैपटॉप का मॉडल भी देख सकते हैं, ये लैपटॉप का मॉडल क्या है तो देखते हैं एचपी 450 मॉडल है। तो इसमें ए स्क्रू को ए इसके निकालने के लिए सिर्फ ओनली वन स्क्रू इसमें कीबोर्ड में लगा हुआ है। ओके तो इसमें क्या करेंगे, ये स्क्रू को खोल लेंगे यहाँ से। ये स्क्रू खोल देने के बाद आपको क्या करना है, कीबोर्ड को बाहर निकालना है। ओके तो कीबोर्ड को कैसे बाहर निकालेंगे तो आप देखते जाएं, आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉक है ये देखिए, आपको यहाँ पे एक लॉक है, यहाँ पे एक लॉक है, यहाँ पे है ये लॉक है, ये सब देख सकते हैं, ये सब लॉक है देखिए, ये लॉक है। तो यहाँ से आपको ये आपका लॉक निकल गया, सेकेंड लॉक को निकालते हैं, थर्ड लॉक हो गया, ठीक है निकल गया। अब आपका एक लॉक यहाँ पे है, ठीक है ये लॉक आपका निकल गया। साइड में भी इसमें इस लैपटॉप में साइड में भी इसका लॉक है यहाँ पे, ये सब लॉक को अंदर अंदर तरफ जैसे पुश करेंगे आप तो ये लॉक आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कीबोर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे कीबोर्ड निकल गया। ओके अब ये जो नट जो खोला गया है, एक स्क्रू जो खोला है तो कहाँ का था, इसका था। अगर ये स्क्रू आप नीचे से यहाँ से अगर आप नहीं खोलते, यहाँ से स्क्रू नहीं खोलते तो कीबोर्ड आपका बाहर नहीं निकलता। ओके इसलिए पहले कीबोर्ड को निकालने के लिए स्क्रू को खोला गया है। ओके अब इस यहाँ पे आपको ये यहाँ से इसका ऊपर से हल्का सा ऊपर उठाएंगे कीबोर्ड को खोलने के लिए, उठा देंगे अब ये खुल गया, ठीक है ओके। अब कीबोर्ड को साइड यहाँ पे रखते हैं, जब न्यू इसको लगाना है तो न्यू कीबोर्ड यहाँ पर है, स्टिकर लगा हुआ है इसको निकाल देंगे यहाँ से। ओके और पुराना वाला यहाँ पे आपका है, ओके न्यू है देख सकते हैं दोनों न्यू, पुराना साइड करते हैं। आपको ये जो कीबोर्ड है इसको लगाने के लिए आपको जिस तरह वो निकाला गया है कीबोर्ड सेम उसी तरह इसमें आपको लगा देना है। ठीक है
तो ये लग गया वो, अब कुछ नहीं करना है। अब उसके बाद इसको जैसे निकाला गया उसे इसमें फिट करने बैठा देना है, ओके इसमें जगह पे बैठा देना। तो बैठाने के लिए हल्का पुश करना है, ठीक ऐसे ऐसे पुश करते जाइए, बस ये कीबोर्ड आपका लग गया, कीबोर्ड आपका सेट हो गया है, ओके। अब इसमें एक नट तो था, स्क्रू था, उसे इसमें टाइट करना होगा। टाइट करने के लिए अब आपको करते हैं यहाँ से ये जो स्क्रू था ये इसको को टाइट कर लीजिए, हार्ड डिस्क चेंज करना हो, ओके। तो हार्ड डिस्क चेंज करने के लिए आपको ये पर्सन खोलेंगे तो लैपटॉप का हार्ड डिस्क भी देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, नॉट खुला हुआ है ऑलरेडी है ही। तो ये आपका हार्ड डिस्क है, लैपटॉप का हार्ड डिस्क, ओके। अगर हार्ड डिस्क को चेंज करना हो इस मॉडल का HP 450 मॉडल का अगर हार्ड डिस्क चेंज करना हो तो यहाँ से खोल कर आप चेंज कर सकते हैं, ईजी तरीका, ओके। फिट करना पड़ेगा यहाँ पे, ये अब जो स्क्रू है इसको भी टाइट कर लीजिए, हो गया। अब आपको बैटरी को फिट कर लेना है। अब यहाँ पे अब स्टार्ट करके आप देख सकते हैं कीबोर्ड अच्छा तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो फ्रेंड्स आपको अब मैं कीबोर्ड चेक करके दिखाता हूँ काम कर रहा है कि नहीं। तो MS ऑफिस में जाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो QG इस सब जितना भी वर्ड है सब आप देख सकते हैं पूरा अच्छा तरह काम कर रहा है, ओके कोई प्रॉब्लम इसमें अब नहीं है। तो इस तरह से आप लैपटॉप का कीबोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि इस तरह के वीडियो हम लाते रहते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।